आज के डेट में लोगों को इतना चाटने का शौक है ना कि खुद भी चाटते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि तुम भी चाटो, बहुत टेस्टी है। और सबसे बड़े चाटुकार आज के डेट में हमारे देश में, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, ठीक है, ये बोलते पूछता है भारत। भाई तुम भी जानते हो, पूरा देश भी जानता है, पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत आपके मुंह के ऊपर। पहले मोटा मोटी सुन लो आप सभी को करना क्या, जितने लोग भी देख रहे हैं, उसके बाद उन लोगों का पोल खोलते हैं, इन लोगों का औकात दिखाते हैं हम सभी। मोदी रोजगार दो, ये आपको ट्वीट करना है 25 फरवरी को 11 बजे से, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक लोग ट्वीट करना अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी बहुत उम्मीद है आपसे। और आपको पता है तीन तीन साल, चार चार साल एक एक एग्जाम के लिए पीछे आप पागल होते हैं, और तीन तीन चार चार साल तक उसका सारा बोझ किसके ऊपर है, आपके माँ बाप के ऊपर। उस बुढ़ापे होने के बाद भी वो आपका बोझ कंधे के ऊपर संभाल कर बैठे हैं, वो सोचते हैं कब मेरा बेटा बेटी का नौकरी लगेगा, उनके कंधे का बोझ, मेरे कंधे का बोझ वो लोग उठाएंगे, और ये आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सही बता रहा, अब आपको ना कल मर्डर भी कर दिया जाएगा ना आपके परिवार का, तो पता क्या बोला जाएगा, आपका मर्डर जो परिवार किया गया ना, ये आपके अच्छाई के लिए किया गया है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए किया गया है। ये आपको समझाएगा मीडिया कि मर्डर हो गया आपके परिवार का ना, आप रो मत, ये आपके अच्छाई के लिए किया गया है। ये अब ऐसा मतलब जो नैरेटिव है ना, ऐसा सेट किया जा रहा है आज के डेट में आपको बेवकूफ बनाने के लिए। यार माथा में गोबर थोड़ी ना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? यार कुछ भी लो, कुछ भी, बिना सर पैर का कुछ भी जुमला उधर से फेंकते आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई काहे का आत्मनिर्भर भारत क्यों बेवकूफ बनाते हो भाई? हम लोग कब आत्मनिर्भर नहीं थे बताओ ना, अपने पैर पर खड़े हैं, कम मेहनत करते हैं तब घर में रोटी आता है, तब मेरा परिवार का पेट भरता है, किसी की बात की हराम कमाई नहीं खाते हम लोग सोशल मीडिया बैठकर, आईटी सेल वाले ट्वीट करते हैं, किसी की बात पे क्या बोलूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा आप सभी को। यार रेलवे के एग्जाम में इतना पेपर लीक हो जाता है, इतना चीटिंग होता है, यार आप कितना अनफेयर कर रहे हो आप बताओ। आप एग्जाम में पेपर चीटिंग हो रहा है, 18 से ये खेल चल रहा है, जब से ग्रुप डी का एग्जाम निकला है 18 से खेल चल रहा है। यार जब पेपर लीक होता है तो रेलवे का फर्ज नहीं बनता है जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ उस सेंटर को सील कर दिया जाए? नहीं सील करेंगे ना, वहां से करोड़ों की कमाई साठ गांठ है। अब जहां पर पकड़ाया बहुत बढ़िया, जहां पर नहीं पकड़ाया वहां पर मजे से पैसे देकर सिलेक्शन हो रहे हैं और मेहनत करने वाले बच्चे जा रहे हैं अंदर। एक बात और याद रखिएगा यार, आप मैं 18 से आवाज उठा रहा हूं, सेंटर सील क्यों नहीं होना चाहिए जहां से पेपर लीक हो रहा है? क्यों नहीं होना चाहिए सेंटर सील? अगर सेंटर सील करेंगे आज एक ना, तो लाखों सेंटर डरेंगे, डरेंगे कि मेरे सेंटर से पेपर सील नहीं होना चाहिए, वरना चंद पैसे के लिए हमारा पूरा सेंटर बंद हो जाएगा। लेकिन रेलवे ये काम करता नहीं है, करता नहीं है, और किसी का औकात नहीं है इसके ऊपर पूछने का, मीडिया का किसी का औकात नहीं है। क्या बात करते हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बोलते हैं हम लोग स्टार है, ये स्टार नहीं है, ये स्टार नहीं है, ये चाटुकार है, चाटते हैं ये लोग, चाटते हैं ये लोग, चाटते हैं इनको हर बात में। स्टूडेंट के नाम पर ट्वीट, कल से पूरे एक नंबर पर ट्वीट चल रहा है मोदी रोजगार दो। इनको औकात नहीं है अपने बाप के अगेंस्ट में मतलब ट्वीट कर दें, इनको पता नहीं है यार हम लोग कितने स्टूडेंट मेहनत करते हैं जॉब पाने के लिए, कितना मेहनत करते हैं, जाके उनसे पूछो यार। माँ बाप किताब खरीदता है, फॉर्म भरता है, फीस देता है, उसके बाद बच्चे रात दिन तैयारी करते हैं यार, दर्द जाकर देखो। आप सभी बोलते हैं भैया गवर्नमेंट जॉब पाना ही जॉब है क्या? नहीं, कहां बोल रहे हैं, लेकिन इनका औकात नहीं है, ये लोग स्टार नहीं है, चाटुकार है, चाटुकार है ये लोग। ये कौन है? ये लोग चाटुकार है। अगर एक बात बताओ, अगर एक बच्चा, एक उनके माँ पापा क्या करते हैं मिडिल क्लास फैमिली, मेरा बच्चा बीबीए करेगा, मेरा बच्चा एमबीए करेगा, मेरा बच्चा बीटेक करेगा, करवाते भी है 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए देकर, उसके बाद पता चलता है मेरे बच्चे के काबिलियत के अनुसार जॉब ही नहीं है मार्केट में, और आ जाते हैं कुछ चाटुकार बोलने कि उसके अंदर काबिल नहीं है तो जॉब कहां से मिलेगा। अरे भाई जब काबिल नहीं है उसके अंदर तो डिग्री दे क्यों रहा है तुम? मत डिग्री दो ना, डिग्री क्यों दे रहा है तुम? 7-8 लाख रुपया लेके उसका कोर्स भी कंप्लीट करवा रहा है, डिग्री भी दे रहा है, डिग्री किसको देते हैं? जो काबिल होता है। तो जब तक काबिल नहीं हो डिग्री मत दो ना भाई, मतलब कहने का मतलब है डिग्री ले कुत्ता की तरह गली गली घूमो। और आपको पता है ये लोग डिग्री लेके जॉब नहीं मिलता है 90% लोग कहां जाते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, और गवर्नमेंट जॉब में जॉब है ही नहीं,
एक समय था 7 से 7-8 साल पहले, एक साल में बैंक की नौकरी कम से कम 1 लाख आती थी। हमेशा लोग सोचते थे साल स्टार्ट होगा एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा एसोसिएट वाला, फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई अब साल भर में 10,000 नौकरी भी नहीं आता है, इतना कंडीशन खराब है। सिर्फ कुछ भी बोलकर चले जाओ, कुछ भी बोलकर, अब कुछ भी बोल दो ना आपको ना डिफेंड कर देगा मीडिया, इतना ये लोग चाटने में व्यस्त है ना, कुछ भी बोल दो मीडिया उनको डिफेंड कर देगा। आत्मनिर्भर भारत, बस हवा फैल गया आत्मनिर्भर भारत। अरे काहे का सब कुछ बेचकर, एक जमाना था जब बजट पेश होता था ना तो हम लोग सोचते थे क्या बजट में आएगा, आज बजट में क्या क्या आने वाला, देश को क्या क्या मिलने वाला है। एक दिन बजट आता था अलग से, आता था एक दिन रेलवे बजट कि रेलवे में ये होगा वो होगा ये होगा, इतना जॉब आएगा इतने। अब तो रेलवे बजट खत्म ही, अब रेलवे बजट आता कहां है, खत्म कर दिया गया, क्योंकि रेल में अब कुछ बचा नहीं है, सब कहानी खत्म। अब जो है बजट, बजट में बस आपको ये बताया जा रहा है ये बेचेंगे, ये बचा है इसको इस साल बेचेंगे, कहानी खत्म। अब आपको भारत नागरिक को क्या बताया जा रहा है, आप आत्मनिर्भर बनिए। अच्छा बहुत बढ़िया, पहले क्या होता था 1969 में यार बैंक को क्या किया गया, निजीकरण, यानी बैंक में लोगों को, बैंक को सरकारी बनाया गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों का विश्वास बन पाए कि लोगों का पैसा सरकार के पास सुरक्षित है। लेकिन अब बैंक क्या हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, जहां स्टेट बैंक में एक समय आपका सेविंग में 4.5% इंटरेस्ट था, आज कुछ नहीं मिलता है, सिलेंडर, प्याज, तेल 750 रुपया, कोई पूछने वाला नहीं है यार। जॉब के नाम पर सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये आपके हक की बात हो रही है। इस बार अगर आप आवाज नहीं उठाए ना, फिर जिंदगी में आपको, अब ट्राई कर देख लेना, मोदी रोजगार दो 25 फरवरी 11 बजे आप सभी को ट्वीट करना है, जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, वरना आपका आवाज मीडिया नहीं उठाएगा। आप अपना आवाज खुद बनिए, और आपके साथ सारे टीचर खड़े हैं। इस बार सभी को कम से कम एक रिफॉर्म बनाना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे ऐसे जॉब लेंगे, हर एग्जाम में चीटिंग हो रहा है, हर एग्जाम में। रेलवे का एक एग्जाम 3-4 साल चलता है, क्या है रेलवे, कुछ नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट एक एग्जाम के पीछे 3-4 साल दे रहा है, और ये 4-4 साल का बोझ बस स्टूडेंट के ऊपर नहीं है, स्टूडेंट के मां बाप के ऊपर है, वो 4 साल तक अपने बच्चे का बोझ उठा रहा है उतनी उम्र होने के बाद। समझते हैं मतलब, समझ रहे हैं आप, आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद पता चलता है आपका रिजेक्ट कर दिया गया आपका फॉर्म, उसके बाद कोई उपाय नहीं है, आप बस बेवकूफ बन रहे हैं भाई। आप बस एक ही काम कर सकते हो इस आंदोलन में, इस वीडियो को शेयर कर अपना सपोर्ट जितना हो आप दीजिए, ताकि सरकार, भाई मोदी जी का कोई भी वीडियो आए ना, सब वीडियो को डिसलाइक करिए भर भर कर, और करवाइए, मैं तो बस यही बोलूंगा भाई, क्योंकि सच बोल रहे हैं, बेवकूफ बनकर रह गए हम लोग पिछले 6-7 साल में, कुछ फायदा नहीं है।